हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग किस प्रकार करते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले हम जीरो पीसीबी, प्रोजेक्ट बोर्ड भी जिसे बोलते हैं, उस पर सोल्डरिंग बताने लगे हैं आपको। प्रोजेक्ट बोर्ड चाहिए, सोल्डरिंग पेस्ट चाहिए हमें, सोल्डरिंग वायर चाहिए हमें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोल्डरिंग आयरन चाहिए, जिसमें हम 15 वॉट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहे हैं। ये छोटी सी वायर हमने ले ली, इसको रिबन केबल भी बोलते हैं, छोटी वायर को रिबन केबल बोलते हैं। इसको हमने लगा दिया जहाँ पे हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद ये हमारी वायर जो है, ये वायर हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद हम थोड़ी सी पेस्ट अप्लाई करेंगे, ये पेस्ट लगा दी। पेस्ट लगाने के बाद आयरन को हम इसके साथ टच करके सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी सोल्डरिंग होगी। सोल्डरिंग समझ में आ गई? यस सर। अब आगे है डी सोल्डरिंग कैसे करनी है। तो डी सोल्डरिंग करने के लिए ये डी सोल्डरिंग पंप होता है। डी सोल्डरिंग पंप को ऑन किया, इसको हमने ट्रैक के साथ आयरन को टच किया, डी सोल्डरिंग पंप को टच करके छोड़ दिया। तो ये अपना ट्रैक उठा लेगा सारा। ये डी सोल्डरिंग पंप इस प्रकार हम यूज करते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर। इस वीडियो में हमने यही देखना था कि हम सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग किस प्रकार कर सकते हैं। ये हम सोल्डरिंग कर हम ये चीज बना रहे हैं, एक एलईडी लाइट बनाएंगे। आप हमारा चैनल आईटीआई प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सकें। आप सबका प्रैक्टिकल में धन्यवाद।